ने इस कौम को जीने का दस्तूर दिया। जिंदगी का असूल दिया। रहनुमाओं को, चाकरों को हदूद दिया। तूने मर्दूदाने हरम को, महरूमों को उनका हक दिया। फिर भी तू बेतौकीर, बेआबरू बरहना सर, आह पार्लियामेंट, बेतौकीर बेआबरू बरहना सर, आह पार्लियामेंट। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। नाजरीन, पार्लियामेंट की आज की रुसवाई में अगर फरीक नवाज शरीफ हैं तो मुल्ज़िम पीपल्स पार्टी, जिसने इसकी करारदादों और फैसलों पर अमल ना करके हालात यहां तक पहुंचा दिए हैं कि आज नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में दरअसल पार्लियामेंट के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे। खैर, बकौल परवीन शाकिर, क्या गई बात पर हुज्जत करना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नवाज शरीफ जो इस निज़ाम की माजी करीब में यूं तासुफ के साथ तशरीह किया करते थे कि यहां सुपर प्राइम मिनिस्टर पाए जाते हैं, वो नवाज शरीफ अब बदले से और अपने असूली मौकफ से हटते नजर आते हैं। तल्ख नवाही से गुरेज, मगर क्या नवाज शरीफ भूल गए हैं कि यहां शेख मुजीब गद्दार, भुट्टो हिंदू का एजेंट, बेनजीर भुट्टो का वजूद मुल्क की सलामती के लिए खतरा और खुद उन पर इल्जाम कश्मीर का सौदा करने का रहा है, और ये भी कि हमारी पसेपर्दा कुवतों का पस मंजर क्या उनके जहन से निकल चुका है। वो एक ऐसे खत जिसकी तहकीकात के लिए पार्लियामानी कमेटी मुतहर्रिक की जा चुकी है को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, और ख्वाहिश उनके दिल में ये शायद लग रही है कि मुल्क के मुंतखब सदर पर गद्दारी का इल्जाम लगे, इस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा भी चले। और सुप्रीम कोर्ट की उजलत सुभान अल्लाह के वफा के पाकिस्तान को सुने बगैर एक ऐसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी कि जिसकी और वफाकी हुकूमत की मुखासमत, जबकि पंजाब हुकूमत के साथ उनकी दिल लगी किसी से पोशीदा नहीं। तो सवाल यह है कि इस तहकीक के लिए तारिक होसा ही आखिर क्यों। और आज कोर्ट रिपोर्टरों का उठाया हुआ एतराज कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में मेहमान खसूसी के तौर पर खुशामदेद कहा गया और उनके मुहाफिज असलहे समेत कमरे अदालत में मौजूद थे, ये बात बज़ाहिर छोटी सी है लेकिन इशारा खौफनाक है। तशरीह करने की जुसारत अभी नहीं करूंगी, लेकिन एक और हवाला इमरान खान का, जो नवाज शरीफ के हर इकदाम और पीपल्स पार्टी के हर पेल को नूरा कुश्ती करार देते हैं। अगर तो नवाज शरीफ साहब का आज का इकदाम बकौल शायर, ये मौजा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, वो वाला है तो मुबारक है, क्योंकि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट जाकर मेमोगेट इंक्वायरी का स्टेयरिंग व्हील सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अरकान से लेकर एक आईनी फोरम के सामने रख दिया है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेमोगेट का तीर सिर्फ एक जरदारी के सीने के पार नहीं होगा बल्कि वतन का सीना चीर के रख देगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नवाज शरीफ का फेल और पीपल्स पार्टी का इस पर रद्द अमल। आफ्टर ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। हमारे साथ आज मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और एमएनए फौजिया वहाब साहिबा, हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब, हमारे साथ आज मौजूद हैं आजम खान स्वाति साहब, सेनेटर हैं, JUIF से ताल्लुक रखते हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर आसमा जहांगीर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा साहिबा, आप ही से आगाज करूंगी। पहले तो फरमा दीजिएगा कि एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार अदालत के पास है क्या? देखिए, पहली बात यह कि बड़ी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में शायद कर सके, मगर मैं समझती हूँ कि जब ऑलरेडी एक पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हो रही थी तो फिर ये जरूरत किस लिए पेश आई। मगर इससे ज्यादा ये जो मुझे तश्वीशनाक बात ये लगती है कि जब आपने किसी को सुना ही नहीं और उसको सुने बगैर ECL पे डाल दिया, यानी ये एक बुनियादी हक होता है किसी का, राइट टू मूवमेंट बुनियादी हक होता है। दूसरी बात यह है कि सारी जो प्रेयर थी पिटिशन की वो तो दे दी आपने इफेक्टिवली,
तो फिर ये इंटरम ऑर्डर तो ना हुआ, ये तो फिर लुटी हुई ना, चलो जाओ। अच्छा फिर मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ। देखिए मैं एक वकील हूँ और उसके साथ मैं समझती हूँ कि हर इंसान को हक है डिफेंस का, चाहे वो एक क्रिमिनल हो, चाहे वो उसने जो कुछ भी किया हो। एक राइट अगर डिफेंस का ना हो तो आप और मैं सब हम क्रिमिनल्स हैं। आप उनको सुने बगैर आपने एक कमेंट्स भी दे दिए और कमेंट्स की सुर्खियां भी लगा दी। हमारी अंग्रेजी में एक मुहावरा है, गिव द डॉग अ बैड नेम एंड देन हैंग देम। और माजरत के साथ मैं आपसे मेहर कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने बड़े डॉग्स बनाए हैं। मसलन मैंने खुद जब सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन लड़ा तो मुझे लोगों ने हैरानगी से पूछा कि मैडम आप तो वो नहीं, आपके सर पे सींग नहीं है, आप वहां पे आग नहीं बरस रही आपसे, ये जो बना देते हैं आपको। और अगर जुडिशरी बिल्कुल कीन बैठी है हैंग करने के लिए तो ये तो मुझे क्रॉम्बल के जमाना याद आता है। अच्छा, यानी कि आपने भी महसूस किया कि हुकूमत को सुने बगैर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना, वो भी कैसी सूरत में जब पार्लियामानी कमेटी भी मौजूद है, जरा जस्टिफाइड नहीं नजर आता। मगर एक और बात आपसे जानना चाहूंगी आसमा साहब, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को सरबरा बनाना इस कमेटी का, वो भी जिसका एक खास पस मंजर हो, एक बैकग्राउंड हो, क्या इस फैसले को तासुब की निगाह से नहीं देखा जा सकता? मेयर बात यूं है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कोई फेवरेट इन्वेस्टिगेटर्स है? देखिए मुझे हुसैन हकानी साहब के किसी अजीज ने कांटेक्ट किया था कि केस ले ले, मैं जरा बड़ी थी रिलक्टेंट, इसलिए कि मैंने कहा इस किस्से में क्या पढ़ना। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद जरा बिजी थी। आज जब मैंने ये जजमेंट्स देखी और ये इंटरिम ऑर्डर जिसको ये कहते हैं, मैं तो इसको कहती हूँ फुल ब्लास्ट जजमेंट। अच्छा, तो एक ऐसे इंसान होने के नाते जहाँ पे एक इनजस्टिस हो, चाहे किसी के साथ हो रही हो, मुझे एक अवर्जन सी होती है। आज मैंने उनकी बेगम को फोन किया, मैंने कहा ये केस मैं लूंगी और फीस भी मेरी 4,000 रुपए होगी। हुसैन हकानी का केस बिल्कुल लूंगी। ब्रेकिंग खबर है जी, ब्रेकिंग न्यूज भी है, हुसैन हकानी की वकालत जो है आसमा जहांगीर साहिबा करेंगी। आसमा साहिबा ये भी फरमा दीजिए कि पार्लियामानी कमेटी और एक सुप्रीम कोर्ट की तश्कील की हुई कमेटी जो है, किसको बर्तरी हासिल है? देखें यहाँ तो जो जंगल का बादशाह है उसको बत्तरी हासिल है। अब मैं अगर पार्लियामेंट की मेंबर होती तो मैं ये बात पूछती, हमारी पार्लियामेंट को खुद चाहिए कि ये पूछे। अब मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो है वो ज्यादा बड़ी इंक्वायरी करेगा और जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो किसके ताबे हैं? अगर यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट ने ये सब काम करना है तो बाकियों की छुट्टी करा दे, हमें ये पैसे खर्च करने की जरूरत ही क्या है? चलिए पार्लियामेंट को घर भेज दे। आप मेरे साथ बड़ा आपने एप्ट पॉइंट उठाए, आपकी जाने बाती हूँ मैं तारिक फजल चौधरी साहब। आज इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो है मियाँ साहब ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया इस पार्लियामेंट में, तो मेरे भाई आप लोग क्यों इस पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्यों ज्वाइंट सेशन के अंदर हिस्सा लेंगे, क्यों अगली पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, इस्तीफे दें बाहर आए, ये कौन सा मजाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बराह रास्त आपके सवाल का जवाब ये है कि इस्तीफों की ऑप्शन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल गौर कर रही है और ये बात इससे पहले, ये मेमो गेट स्कैंडल से पहले ये बात हो चुकी है कि सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार है और इस पार्लियामेंट की कारकर्दगी के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकफ इससे पहले भी यही रहा है कि मैंडेट अगर इस पार्लियामेंट को दिया गया है तो मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट को कोई 5 साल मुकम्मल करने के लिए या सिर्फ इस मुल्क में हुक्मरानी करने के लिए तो नहीं दिया गया, तो ठेके पे तो नहीं। बिल्कुल, जमहूरियत रोज का नाम है, रोज के बिल्कुल एहतसाब का नाम है। मगर मेरे भाई आप सवाल नहीं समझ रहे ना, आप सवाल नहीं समझ रहे, आप पार्लियामेंट छोड़ते भी नहीं हो, गाली भी इसे ही देते हैं, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? या तो आप एक इकदाम लें, कदम उठाएं, निकलें इस पार्लियामेंट से, इस्तीफे दें, गौर क्यों कर रहे हैं? अगर अभी तक गौर कर रहे थे तो फिर नहीं जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट आपको। मैं तो यही गुजारिश की है कि इस्तीफों के ऑप्शन के ऊपर मुस्लिम लीग नून बात कर चुकी है, हमारी लीडरशिप ये कह चुकी है कि ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लेकिन जाहिर है सिर्फ इस्तीफे दे के बाहर बैठने से कोई मामला सारे हाल तो नहीं हो जाएंगे, उसके लिए क्या हिकमत अमली हम अपनाते हैं, पार्टी लेवल के ऊपर इस पर बात हो रही है, फैसला होगा और डेफिनेटली होगा और आपको पता चलेगा, और हमने कहा है कि मुनासिब वक्त का हमें इंतजार है। मुनासिब वक्त मुझे फिर मुझे मैं बिलवाके के ऊपर भी आऊंगी, मगर अभी तक मुझे ये समझ आई है, मुझे अभी तक ये समझ आई है मेरे भाई कि आप बेसिकली आप इस पार्लियामेंट की वजूद को ही अब तस्लीम नहीं करते, कोई फायदा ही नहीं है, इसकी बनाई हुई कमेटी भी आपके सामने फारिग है, तो फिर इसकी करारदादों के ऊपर भी शोर ना मचाया करें। मेरा बस सवाल बुनियादी सा ये, समझ नहीं आती कि आप कौन सी करवट ऊंट बैठेगा, आप चाहते क्या है?
नहीं देखें, बात यह है जी कि इसमें आपने जो मैंने आपके अपनी इब्तदाई गुफ्तगू सुनी है, आपका इंट्रो सुना है आपके प्रोग्राम का, आपने बिल्कुल इसको बेचारी और इसको आपने वो कहा कि बेतौकीर पार्लियामेंट, गुजारिश कर दी ना आपने आज। हमारा बाहसियत मुस्लिम लीग नून या मियां वाशिफ का क्या किरदार है, जो 2008 में जो करारदाद पास हुई मुश्तरका पार्लियामेंट उसका क्या असर हुआ, नए 2011 में जो करारदाद पास हुई उसका क्या असर हुआ, क्या उस पे, और फिर ये कि जो आप कह रही हैं बार बार जमहूरियत, मुझे आप ये बताएं कि चौधरी साहब ऑपोजिशन लीडर आपका है, उसको अपना किरदार पार्लियामेंट के अंदर। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ मैर, मुझे ये बताएं कि क्या आपको ये SMS आज नहीं मिलते, कम अज कम मुझे तो मिलते हैं कि आपके इस जमहूरी दौर से जनम शरफ का दौर बेहतर था। आज जमहूरियत के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ रहा है, बुनियादी तौर पर ये फेलियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एक SMS की बात ना करें, मुझे और भी बड़े SMS मिलते हैं जिधर इस हुकूमत के खिलाफ मिलते हैं, पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी मिलते हैं, मगर लेट्स नॉट गो इनटू दैट। एक मिनट फौजिया वहाब साहिबा, मैं आपकी जाने पाऊंगी, मेरे सवाल का जवाब एटलीस्ट मुझे अभी तक नहीं मिला, किसी और को मिल गया होगा तो बेहतर होगा। अब ये मेमो का मामला तो आप खुद भी इन्वेस्टिगेट कराना चाह रहे हैं, आप तफ्तीश कराना चाह रहे हैं, आपने अपना एम्बेसडर भी हटा दिया, उसका ब्लैकबेरी भी ले लिया, लैपटॉप भी ले लिया, तो अगर यही तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट कराए तो मुझे बताइए आज आप सब आग बगोला क्यों हो रहे थे? देखिए, आग बगोला होना तो नहीं हम कहेंगे, हाँ हमने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच की फाइनल अथॉरिटी समझी जाती है, उसने ये कह दिया है कि इसकी तहकीकात, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, जिसमें तमाम पार्टी के नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, वो करेगी, तो उसके बाद एक दूसरा कमीशन इंस्टीट्यूट करने की या बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं बड़ी आजाना तौर पर ये कहना चाहूँगी कि ये ट्रांसग्रेशन समझी जा रही है कि जी, जब आप एग्जीक्यूटिव ने जब एक फैसला कर दिया है तो हमें इंतजार करना चाहिए कि उनका फैसला किस किस्म। चलें फौजिया बीबी, एक सवाल का जवाब दीजिए। एतराज हुआ तो फिर बेशक आप अपना कमीशन बनाएं, तहकीकात करें, फिर आप देखिए कि जिस आदमी को उन्होंने इंचार्ज बनाया है, ये पूछें कि आपके कितने कमीशन बने हैं, कितनों का आप अभी तक रिजल्ट लेके आए हैं, ये जरा सवाल इनसे पूछें आप कि जी, तारिक खोसा साहब के एक भाई तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, दूसरे भाई जो हैं उनको शहबाज शरीफ साहब भाई कहते हैं अपना, प्लस जी, और प्लस जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं आसिफ खोसा साहब, गो के वो बहुत काबिल आदमी हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे किसी को शक नहीं है, लेकिन वो किसके दामाद हैं? नसीम हसन शाह के, की बेटी हैं उनकी, बेंच में बैठे हुए थे जिसने भुट्टो साहब को फांसी पे लटकाया था। देखिए, हमारे तो फिर दिल जलेंगे ना। अच्छा, एक बात बताइए फौजिया साहिबा से, ये दिल जले आपके, आइन को पसे पोष्ट नहीं करने देंगे, ये आज बाबर वान साहब ने कहा, इसको रिएट्रेट भी किया गया आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मीटिंग के फौरन बाद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आइन को पसे पोष्ट नहीं डालने देंगे, कौन डालना चाह रहे हैं आइन को पसे पोष्ट? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, कौन लोग हैं कि ये सिस्टम, मैं बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं कि ये सिस्टम डिरेल हो जाए, जब सिस्टम डिरेल होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन पसे पोष्ट चला जाएगा ना, और अभी हमारी और आपकी जिंदगियों को रेगुलेट कौन कर रहा है? आज जो मैं और आप बात कर रहे हैं, या हम ये बात कर रहे हैं कि मुकन्नना के ये हुदूद हैं और अदलिया के ये हुदूद हैं और क्या कहते हैं एग्जेक्टिव के ये हुदूद है, तो ये कौन तय कर रहा है? ये आइन तय कर रहा है, और अगर खुदा ना खास्ता सिस्टम डिरेल हो जाता है तो वो जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है या जिससे हम ये तमाम कुवत डिराइव कर रहे हैं, नहीं, वो तो पसे पुश्ट। अच्छा, कौन कौन डिरेल करना चाह रहा है, कौन आइन को पसे पुश्ट डालना चाह रहा है, आप खुल के भी ये बात नहीं करते और सदर को भी वहमो गुमान में उनके, कभी उनको तीर नजर आते हैं, कभी उनको संगीन की साजिश नजर आती है, तो आप या तो खुल के बात कीजिए इसके बारे में, क्या आपको कोई तहफ़ुज़ात अब आला अदलिया से भी है? बीबी मेहर, ऐसा है कि आप किसी एक फर्द वाहिद की तरफ इशारा नहीं कर सकते हैं, यहाँ जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि एक कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ ग्रुप्स की, जिस जो इस पूरी साजिश में इन्वॉल्व है, जिनकी ख्वाहिश है, मसलन एक ग्रुप है, मैं अभी आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप बात कीजिए, एक ग्रुप है जो कि मीडिया का ग्रुप कहलाया जाता है, बहुत बड़ा ग्रुप है, जो रोज़ बिला नागा उसका एक एंकर है, उसका ये मामूल है
कि 10 बजे वो शुरू होता है और 11 बजे तक वो हर रोज या हर दूसरे दिन या हर दूसरे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कतकलामी माफ किसी एक एंकर के हापिंग से आपकी ना हुकूमत बननी है ना गिरनी है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। मेहर, यू मे बी अ वेरी विटी एंड स्मार्ट वुमन, इट्स नॉट अबाउट विट। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप मुझे पूरा जवाब तो आप मुझसे ले लीजिए ना। आप मेरे मौकफ जानना चाहती, इसीलिए आपने मुझे बुलाया तो मैं अपना मौकफ तो बता सकती हूँ। मीडिया आप कह रही है साजिश का हिस्सा है, जो डीरेल कर रहा है जमहूरियत। एक ऐसा ग्रुप है जो दिन रात एक ही बात कह रहा है कि जी फलां तारीख को ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब उसका नुमाइंदा हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि सुप्रीम कोर्ट में वो बैठा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए अंदर बैठ के वो अपनी है ना क्या कहते हैं बीपर अपने मीडिया चैनल को दे रहा होता है। बाकी जितने मेंबरान हैं जो मीडिया से जिनका ताल्लुक होता है, जब उनको कोई खास चीज मिलती है वो बाहर जाते हैं और बाहर से फिर इतला करते हैं कि अभी जज साहब ने ये कहा या जो पिटिशनर है उसने ये कहा। लेकिन अच्छा, द पर्सन हु इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मीडिया ग्रुप जो रोज बिलानागा ये कहता है कि आज ये हुकूमत खत्म, योर पॉइंट हैज बीन नोटेड फौजिया साहिबा। लेट्स टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर फॉर अ चेंज। यू नो, वंस अगेन आई रिट्रेट, आपके बिल्कुल बजाय अगर आप नाराज हैं इस बात के ऊपर, लेट बिगर पिक्चर वंस अगेन। आजम स्वाति साहब, मैं आपकी जानब जरूर आऊंगी मगर आसमा साहिबा ने कहीं जाना है, इसलिए मैं उनसे एक सवाल और जरा सी वजाहत चाहूंगी। आसमा साहिबा, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी पिटिशन के अंदर जो है वो सदर को भी फरीक बनाया जिस तरह आप जानती हैं, तो क्या तारिक खोसा सदर से तफ्तीश कर सकते हैं? देखिए ना, एक तरीके का रवैया होना चाहिए सब रिस्पॉन्डेंट्स के साथ। तो वो क्या रिस्पॉन्डेंट्स ज्यादा बेचारे थे, ये ज्यादा कम थे, ये विक्टिम्स हैं, रिस्पॉन्डेंट्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, ये चीजें सारी देखने की है ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा आसमा साहिबा बिकॉज सदर को इम्यूनिटी भी हासिल है, अब सदर को इसमें फरीक भी बनाया गया, उनसे जवाब तलबी भी की गई है। सो व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन? इट मीन्स कि आप एक बंदे को अगर पकड़ेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे, ECL करेंगे, उसको जदोकोब करेंगे, उसके मुंह से आप कुछ भी बुलवा लीजिएगा। आप मुझे चार डंडे मारेंगे तो मैं कह दूं कि मेयर ने मुझे कहा था ये करने को। आप देखें, ये एक तरीका आप देखें। सदर से जवाब तलबी की जाती है और या नहीं की जा सकती अभी? नहीं, अभी तो नहीं की जा सकती, मगर देखे ना, सदर के पहुंचने से पहले मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो कर लिया जाता है। आसमा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलबी तो कर लिया। देखें मेरी बात सुने, किस तरह हुआ था भुट्टो साहब का केस, किस तरह हुआ था? सीधा तो उन पे नहीं ना गए थे। लोग होते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं, और अगर हमारी सोसाइटी में लोग जिनको आप समझते हैं मजबूर किया जा सकता है और उनको आप डिफेंस देने को तैयार नहीं, उनके लिए उनकी अगर जो जायज बात है उसको भी उसके लिए भी खड़े होने को तैयार नहीं है, तो फिर बहन मेरी हम सब इसी तरह होंगे। अब देखो, ये हुकूमत है, इलेक्टेड हुकूमत है। मैं फौजिया मेरी बहन है, मगर मैं बड़े अफसोस से कहती हूँ कि इलेक्टेड हुकूमत जो है वो कोई हुकूमत नहीं है। हुकूमत वो नहीं कर रही, वो सिर्फ जूते खा रही है। ये बताइए मुझे, इससे पहले मैं वक्फे पे जाऊं, आसमा साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि ये आर्मी कोर्ट्स भी इस मेमो की तफ्तीश कर सकते हैं, आर्मी कोर्ट्स भी कर सकते हैं, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि कैसे और आर्मी कोर्ट्स को कौन एक्टिवेट करेगा, कौन कन्वीन करेगा? मैं वकीलों के मूवमेंट में हर जगह थी मौजूद, मैं तो आर्मी कोर्ट्स के लिए जद्दोजहद नहीं की थी। अगर मुझे आर्मी कोर्ट्स के लिए जद्दोजहद करनी होती तो मैं घर बैठती और मैं GHQ जाती और आज मैं भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठी होती। सर, हम तो लड़ेंगे, ये हुकूमत लड़े या ना लड़े, इनमें हिम्मत हो या ना हो, जी हम तो जमहूरी कदरों के लिए लड़ेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। ये देखें, अभी आई थिंक ब्रेकिंग खबर भी आ रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चेन एंड कमांड का जो सिस्टम है वो भी खत्म कर दिया है। अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हर फौजी जो है एक्टिव होके मुकाबला करेगा किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई इस तरह का मुकाबला हो या ऐसी कोई सूरत हाल हो। बड़ी अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगी। आसमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने का। आपने ये बात सुनी, 4,000 रुपए लेके हुसैन हकानी की वकील बन गई हैं आसमा जहांगीर साहिबा। छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आके आजम स्वाति साहब से भी बात करेंगे। दिल बड़ा भारी है, बड़े भारी दिल के साथ आज आए हैं और उनकी नजर में इस सारे खेल का एक ही जिम्मेदार है, वो कौन है पूछेंगे।
ब्रेक पर जाने से पहले आपने आसमा जहांगीर साहिबा का वर्जन सुना, वो कहती हैं कि इंटरिम ऑर्डर है, ये फुल ब्लास्ट जजमेंट है और इसी के साथ साथ उनको महसूस होता है कि शायद आला अदलिया को अपने इन्वेस्टिगेटर्स लगाने का शौक पड़ रहा है। 4000 रुपए में हुसैन हकानी की वकालत करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है इस जंगल में जो बड़ा शेर है वही इस बात का तयन करेगा कि इन दो कमिटीज में से, एक पार्लियामानी कमेटी, एक सुप्रीम कोर्ट की तश्कील दी हुई कमेटी, इनमें से कौन किसको बर्तरी हासिल है। मैं आजम स्वाति साहब आपकी जानिब आती हूं, ये पहले फरमाइए क्या आपको ये यकीन है कि आपके सदर, मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ऐसा मेमो लिखवा भी सकते हैं? बीबी, सबसे पहले तो मैं जो हमारी मुख्तरम बेगमात हैं उनके बयान पे तबसरा करना जरूरी समझता हूं और अपना हक समझता हूं। जाहिर है कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है और इस कौम से 180 मिलियन लोगों से भी ज्यादा पढ़ी लिखी हुई और इस मुल्क की ज्यादा पेट्रियाट हैं, लेकिन उनकी खिदमत में सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि उनके बयानात से जो मैंने अहस किया है वो ये है कि मुल्क की फौज को भी रैप अप कर दिया जाए और मुल्क की आईनी अदालत जो है उसको भी रैप अप कर दिया जाए। जिन पर इल्ज़ाम है वो खुद ही मुनसिफ होंगे और जंगल का शेर ऐवान सदर में बैठ कर खुद अपनी कमेटी बनाएगा और उसके जरिए से फैसला करेगा। मेरे लिए ये कम अज़ कम, मैं ला का तालिब इल्म हूँ, अमरीका में मैंने वकालत की है, मैं कम अज़ कम इस जो पेश तरफ्त इनके जरिए से होगी मुझे उस पर सख्त एतराज़ है। उसकी वजह यह है कि अगर रूल ऑफ लॉ की हम बात करें जिनको ये ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस मुल्क की सालमियत की बात करें तो फिर इनको इंतहाई तकलीफ और मुश्किल वक्त इन गरीबों पर आ जाता है। और अगर एक डिटेच्ड और इम्पार्शल फोरम जो आईन ने हमें दिया है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो और दूसरे हमारे अकाबरीन के दस्तखतों से जो है ये एक फोरम बना, अगर उस पर उनका एतबार नहीं है तो मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के बासी जरूर ये हक रखते हैं इनसे पूछने का कि जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जब ये मुहिमे के सारे प्लेयर जो हैं ये सामने आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला कौम खुद फैसला करेगी मुल्ज़म कौन है और मुजरम कौन है। और क्या ये बेहतर ना होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर जो है अगर इनको एतराज़ होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये जाते जो इनका आईनी और कानूनी हक है और उसको कहते कि हमें सुना नहीं गया, हमें सुना जाए और इस कमीशन के ऊपर जो है जो एतराज़ात थे वो बाकायदा तौर पर होते। तो मेरा ये ख्याल है कि कानून के सुलझाने वाले, कानून के राइज करने वाले जो है कम अज कम उसकी इंटरप्रटेशन के मुताबिक, आइन और कानून की इंटरप्रटेशन के मुताबिक इनके ख्याल को सुनने के बाद अपने एक डिटेल फैसला जो है ये करने के हामिल होते। तो आपको आज गिला किस किस से है फिर? हुकूमत से तो ठहरा और किस किस से? मैं तो ये समझता हूं कि मैंने तो ये हमारी जो इंतहाई काबिल कदर पढ़ी लिखी बेगमात हैं उनके बयानात की रोशनी में मैंने ये कहा और फिर मैंने इशारा किया उस जंगल के बादशाह जो ऐवान सदर में, जो किसी रूल ऑफ लॉ का पाबंद नहीं है, जो किसी कानून का पाबंद नहीं है, जिसको इस अदालत और हमारी फौज पर और हमारे इस मुल्क की सालमियत। अच्छा, आजम स्वाति साहब एक बात बताइए, ये जंगल उसने सिर्फ और सिर्फ सुलेमान फारूकी की शेह के ऊपर, हुसैन हकानी के कहने के ऊपर मेरे इस मुल्क को अमेरिका के हवाले करना है और इंशाल्लाह ताला खून का आखिरी कतरा इस मुल्क के लिए हमने और इसकी सालमियत के लिए, इसकी फौज के लिए, इसकी सुप्रीम कोर्ट के लिए इंशाल्लाह ताला हम बांधेंगे और इसके सही इदारों के लिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये मैं समझना चाह रही हूँ आपसे फौजी साहब, आपने इनकी बातें भी सुनी मगर सवाल उधर यही है कि जो ये आपके आजम स्वाति साहब आपके नज़दीक जो ये फौज का जो सॉरी ये जंगल का बादशाह है, अगर इसकी कहीं अगर आप मानते हैं कि मेमो दुरुस्त है या उनने लिखा हुआ है तो क्या इस पे गौर करना हमारे लिए गलत है या शायद गद्दारी के जुमरे में आ जाएगा कि अगर ऐसी कोई साजिश पनप भी रही है एस्टैब्लिशमेंट में, फौज में, तो उसकी बात क्यों नहीं कोई करता, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई गौर कर रहा? आजम स्वाति साहब आप इसे किया है जनाब, आप अगर मानते हैं कि ये उन्हीं का किया धरा है सारा? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि आपने एक डिटेच फोरम जो है आईन का दे दिया, अब उसके सामने जो हकायक आएंगे उसकी रोशनी जो है उसकी रोशनी में
ये कौन फैसला करेगी, कौन देखेगी, और फिर वो फोरम जो ये फैसला करेगा। तो फिर पूरी बात कीजिए ना, अगर आपके पार्लियामेंट का फोरम उधर मौजूद था, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से फिर भी रुजू फरमाना चाहिए था? क्या मेरी पार्लियामेंट का फोरम जो है मेरे हज स्कैंडल का फैसला कर सका? क्या मेरे पार्लियामेंट का फोरम जो है एनआईसीएल का फैसला कर सका? रेंटल पावर आज जो करप्शन मेरे मुल्क को इस वक्त लेके डूब रही है, माशी तौर पे हम जो डूब रहे हैं, मेरे मुल्क की सालमियत जो डूब रही है, क्या पार्लियामेंट का कोई फोरम मेरे मुल्क को बचा सका है? जी फौजिया साहब, आप क्या कहेंगी, अगर पार्लियामेंट के इस फोरम को सही तरह इस्तेमाल किया जाता, इसकी करारदादों पर अमल किया जाता तो शायद मैं अपना जाती तौर पर मेरी ये राय है कि पार्लियामेंट अपनी साख खो चुकी है। मैंने कल इंशाल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान साहब को मैं खत लिख रहा हूं और इसमें वाज़े तौर पे कर रहा हूं कि इस पार्लियामेंट से जो अपनी साख मुल्की सालमियत के लिए खो चुकी है, हम बजाय वहां पे बैठने के हम बाहर लोगों के पास आए, और अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी, अच्छा, अच्छा मुझे एक मौका दीजिए फौजिया साहिबा, मुझे क्या लगता है आपको, क्या बाकी साख हो चुकी है पार्लियामेंट, क्या आपकी हुकूमत ने ही हमें आके इधर खड़ा कर दिया है कि जिधर पार्लियामेंट के जो अरकीन है वही इस पार्लियामेंट को संजीदगी से नहीं देखते ना लेते? मैं आजम स्वाति साहब की बात को मुस्तरद करती हूँ। मैं समझती हूँ कि वो एक उम्र रसीदा आदमी होने के नाते उनको ज़रा अपनी बात में बुर्दबारी पैदा करनी चाहिए, बजाय इसके कि जो इस वक्त रुझान चल रहा है और एक ख़ास क़ुव्वत ये काम कर रही है, मुल्क में लोगों के दिलों में बदजनी पैदा कर रही है पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, उस पे चलने के बजाय अपने आप पर कॉन्फिडेंस पैदा करें। अभी इन्होंने ज़िक्र किया है कि कानून जंगल का बादशाह कानून का पाबंद नहीं है। जंगल का बादशाह नहीं, वो इस मुल्क का बादशाह है और इस मुल्क के अवाम के नुमाइंदों ने उसको इलेक्ट किया है और वो टू थर्ड मेजोरिटी से, जब मैं बोल रही हूं आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोली, वो टू थर्ड मेजोरिटी से वो आदमी जीता है। इस आदमी ने कानून की बालादस्ती कायम की है, पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम की है। इस आदमी ने सारे लोगों को अपने साथ लेकर इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत किया है। इस मुल्क की न सिर्फ जमहूरियत को मजबूत किया, इस मुल्क के तमाम इदारों को। जनाब बीबी, इस आदमी ने आज ये भी कहा है कि हमें हर जनाब एक मिनट लेट मी कंप्लीट। आप जब वो बोल रहा था तो मैं नहीं बोले, ना आपने इंटरप्ट किया है, वो उल्टी सीधी बातें कर रहा था, आपने कुछ नहीं कहा। अब मुझे यह हक पहुंचता है कि जिस आदमी के खिलाफ ये बोल रहा था तो मैं भी उसका दिफा कर सकूं। गलत बात इन्होंने कही, मैं अपनी तौहीन और तजलील महसूस कर रही हूं जो उन्होंने गुफ्तगू की है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट की मेंबर हूं और मैं अपने इदारे की तौहीन और तजलील नहीं होने दूंगी, मैं इसकी तौकीर में इजाफा करने वालों में से हूं। जनाब इन्होंने ये कहा कि ये किसी कानून का पाबंद नहीं है, इसी आदमी ने 18वीं तरमीम पास कराई है, इसी आदमी ने अपने तमाम इख्तियारात जो है पार्लियामेंट को दिए हैं। जनाब ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ये वो आदमी है जो हर वक्त हर एक के लिए दस्तियाब रहा है। यह आदमी है जिसने, इन्होंने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले कर दिया है। जनाब जिस आदमी ने यह कहा है कि हमें तिजारत चाहिए, इमदाद नहीं चाहिए, वो आसिफ अली जरदारी है। हो गया ना फौजिया साहिबा, पूरे 40 मिनट अब आसिफ अली जरदारी साहब के गुण तो नहीं गाने ना। हम करेंसी में, हम डॉलर्स में अब कारोबार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम करेंसी स्वाप करेंगे। फौजिया साहिबा समझ आ गई, वो इस पूरे मुल्क का बादशाह है, हमारे सदर है, मुंतखब सदर मानते हैं। मेरे बेबस मैं बस एहतराम कीजिए। अच्छा आजम स्वाति साहब एहतराम कीजिए, यहाँ के पाकिस्तान के मुंतखब शुदा लोगों ने उनको है ना इस मुकाम पे पहुंचाया है और बिठाया है। समझ गए, एहतराम कीजिए आजम स्वाति साहब, आपने डांट पिटवा दी है सबके सामने। अच्छा अब उन्होंने सवाल तो सुन लीजिए, के हवाले से बात की है। एनआरओ में एनआरओ इनके मुंह के ऊपर है, वो शक्ल सूरत नजर नहीं आती कि मेरे मुल्क को लूटा है, मेरे मुल्क के टैक्स का पैसा लूटा है। आजम स्वाति जब तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा ना, झूठे केस करते हैं, मैं पूछूंगी, इस बार करते हैं, ये सिर्फ अपनी बात करते हैं। खुदा का शुक्र, जी जी जी, खुदा का शुक्र है कि उन्होंने कहीं बहुत बड़ा वली इसको नहीं बना दिया। क्या चीज होती है, इसको क्या मालूम कि जाली मुकदमे क्या होते हैं, इसको क्या मालूम जाली केसेस क्या होते हैं, इसको क्या मालूम है जेल में रहना किसे कहते हैं। ये बैठ के बातें कर रहा है,
ये पहले रहा अमेरिका में, वहां ये अपने गैस स्टेशन चलाता रहा, फिर पैसे दिला के है ना, दे दिला के ये है ना सेनेटर बन गया, अब बैठ के है ना बकवास कर रहा है। अच्छा, ये अच्छा, हमारे है ना पार्लियामेंट के लिए, मैं इनके मुंह से कोई बात नहीं सुनना खत्म करूंगी। मेरा ये ख्याल है कि एक औरत के मुंह से ये अल्फाज, और वो कह रही है कि मैं पार्लियामेंट की तौकीर कर रहा हूं। मेरा ये ख्याल है कि लोग सुन रहे हैं, जी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और एनआरओ की बात अभी ना छोड़े आजम स्वाति साहब, एनआरओ में भी बड़े बड़े पर्दादार हैं, अगर बात करेंगे तो फिर इतना कलेजा रखिए कि सब पर्दादारों को की बात करें खुल के, मुझे मौका दीजिए। बैन या कोई माजद बेटी ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती, कोई माजद बैन, छोड़ दीजिए इन बातों को, लेट्स गेट बैक टू द इशू, पार्लियामेंट की मेंबर लेट्स गेट बैक टू द इशू इस्तेमाल नहीं कर सकती, बोल रहे हैं ना सियासत का ना सीन का पता, ना अलिफ का पता, ना बे का पता। अच्छा आसमा जहांगीर साहब, मुझे एक बात बताइए, आजम स्वाति ने अभी आपके फिर कनेक्ट होने के थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी बातों से ये लगा, और बल्कि आई विल बी ऑनेस्ट विद यू आसमा साहबा, आपकी बातों से बेशतर लोगों को कभी कभार ये लगता है कि आपके नजदीक शायद फौज को रैप अप करके घर भेज देना चाहिए, और अब तो इस जुडिशरी को भी अल्लाह हाफिज कह देना चाहिए। आजम स्वाति को आपकी बातों से ये लगा, अगर आप अपनी वजाहत खुद करना चाहें तो बेहतर होगा। आजम स्वाति को जरूर लगा होगा शायद, मगर वो गलत समझे हैं। हम तो हमेशा जुडिशरी यानी किसी एक जज या दो जज या दस जजों के लिए नहीं लड़े, हम तो इस इंस्टीट्यूशन के लिए लड़े, और अगर इंस्टीट्यूशन कोई सी गलत राह पे चलती है या गलत जजमेंट देती है तो हमारा वकील होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम उसको पॉइंट आउट करें। और दूसरा ये है कि वकील का एक फर्ज है कि वो हर केस वो ले जिसको वो समझती है कि भाई ये ठीक केस है या उसके लिए लेना एक चैलेंज है। हम तो क्रिमिनल्स का लेते हैं, डेथ पेनल्टी लोगों का लेते हैं, सही है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उन्हें कहते हैं घर चले जाओ, वहां लड़ते हैं झगड़ते हैं कि आपने गलत ये दिया है डेथ पेनल्टी जी। बाकी जहां तक फौज का सवाल है, आज ही हमारे जुलूस निकला, हमें दुख हुआ, हम सारे निकले वहां पे जो हमारे फौजी जो शहीद हुए हैं, क्या वो हमारे मुल्क के लोग नहीं है? बिल्कुल है, बल्कि आज तो ये जस्टिस साकिब निसार ने भी कहा कि हमें कादर मुत्तलिक ऑल माइटी क्यों समझा जा रहा है, हर इशू हमारे पास लेकर आ जाया जाता है। तो वही अगेन यही सवाल बनता है बार बार कि अब देखें ये कंफ्यूजन फैल गई है, पूरी कौम को भी नहीं अभी समझ आ रही। एक बंदा कह रहा है कि पार्लियामेंट की जो कमेटी है वो ज्यादा बढ़तरी रखती है दूसरी कमेटी से, मियां साहब को जाना ही नहीं चाहिए था। आपका मैं आप ही की जानिब आ रही थी चौधरी साहब, कि आपने इतनी कंफ्यूजन खड़ी कर दी है, और ना आपने इस्तीफे दिए हैं, आप कायम है, और अभी समझ नहीं आ रही कि आप इसे हासिल क्या करना चाह रहे हैं। कल को अगर चौधरी साहब यह हुआ कि पार्लियामेंट की कमेटी का नतीजा कुछ और निकला और इस कमेटी का नतीजा कुछ और निकला, तो किसकी बात मानी जाएगी जनाब? देखिए गुजारिश है जी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आजम स्वाति साहब ने अभी बताया है कि कौन कौन से ऐसे केसेस थे जो पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटीज के पास रहे और वो बेनतीजा रहे। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ, उसके बाद एक खसूसी कमेटी, इसी तरह की स्पेशल कमेटी है जो कराची के हालात के ऊपर, जो उस वक्त वहां पे कराची में कत्ल गारत मची हुई थी, कोयटा में जो हालात थे उसके ऊपर बनी, और उसका मैंडेट ये था कि दोनों जगहों का दौरा भी करेगी और उसके बाद वो सिफारिशात देगी और वहां पर कुछ अमन कायम होगा, लेकिन रिजल्ट क्या था? जीरो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, यहाँ पे भी वो कोर्ट बैठी, कराची में जाके बैठी, और उसके बाद एक फैसला हुआ और आज कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम है। तो मुझे अब ये बताएं कि ये कमेटी जिसमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है, जिस कमेटी में अभी ये केस किया गया है उसमें मुस्लिम लीग नून के सिर्फ चार मेंबर हैं टोटल, ये जो कमेटी और उसके सरबरा खुद पीपल्स पार्टी के हाथ में है सरबराही, तो बल्कि अहम सवाल है आपका, तो अर्ज कर रहा हूं क्या ये टेक्निकल बात बिल्कुल वैलिड बात है, सही है कि जब आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया, और ये मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव अगर इस कमीशन की बात हुई है या इस कमेटी, मगर चौधरी साहब मैं एक ब्रेक ले लेती हूं, इनिशिएटिव सबसे पहले गवर्नमेंट के पास आना चाहिए जी था। अच्छा, और क्यों ये समझ रहे हैं कि जो काम चार साल में पीपल्स पार्टी मुसलसल करके इस पार्लियामेंट से रिजल्ट जीरो लेके आ रही है वो पार्लियामेंट की इज्जत कर रही है, और मुस्लिम लीग नून अगर एक केस में एक छोटा सा वक्फा ले लेती हूँ, एक छोटा सा वक्फा ले लेती हूँ, नहीं मगर इतनी सिंपल बात नहीं है ना चौधरी साहब, प्लीज डोंट मिसलीड एवरीबडी। छोटे से केस में नहीं आप चले गए, बहुत बड़े केस में गए हैं, और तब गए हैं कि जब एक पार्लियामानी कमेटी वजूद रखती है, और साथ ही ये कि ये टेक्निकल मैटर आके आसमा साहिबा से भी पूछेंगे, क्या ये पार्लियामानी कमेटी जो है इतने टेक्निकल मैटर की इन्वेस्टिगेशन जो है ऑब्जेक्टिवली और फेयरली कर सकती है, क्या तमाम तर जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है क्या इस पार्लियामानी कमेटी के पास होगी या नहीं, आफ्टर ब्रेक।
चलें जी, दो दो कमेटियां तो इस मुल्क में बन गई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल हमारा ये है कि आज वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने यह कहा कि फौजी बगावत नहीं होगी और अदालती बगावत भी इस मुल्क में नहीं होगी। उससे थोड़ी देर पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया था कि हर किस्म के मामलात का मुकाबला करना जानता हूं, और फौरी बाद जो है बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि बंगाल जैसी सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े डिफेंसिव पॉस्चर में पीपल्स पार्टी भी नजर आई। मगर सवाल मेरा यह फौजिया साहिबा के ये भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती और एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को कभी सरेंडर नहीं करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रही हूं, अगले 15 दिन में क्या आसिफ अली जरदारी साहब अपना जवाब भेज देंगे या ये पार्लियामेंट की और एग्जीक्यूटिव की तौहीन है, सरेंडर करने वाली बात है? देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जी प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को कोई चैलेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, और वो तो बता दिया आसमा जहांगीर साहब ने, वो बताएंगी, बता दिया एक्सेप्शन बना सकते हैं तो क्या इस पर अमल दरामद होगा, ये अभी देखने से ताल्लुक है। अब रही बात, अब तो ऑर्डर आ गया है ना, इस पर जवाब देना जी, सदर साहब का इस पर जवाब देना, तो ये तो फेडरेशन इसका जवाब देगी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसका जवाब देगी। द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन can not be summoned and I don't think so you can get answers from him. दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, अमेरिका की हैं। What does he know about law? नहीं मोहतरमा, मेरा ख्याल है कि आपकी जबान इतनी गंदी है कि मुझे औरत कहने में भी आपको शर्म महसूस होती है। अच्छा, प्लीज आप फिर अपना शर्म कायम रखें और ना बोले तो बेहतर है। मुझे शर्म महसूस होती है इसलिए मैं आपसे नहीं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछना पड़ेगा कि किस किस्म के लोगों को टिकट दे दिया था उन्होंने। शर्म महसूस होती है कि अल्लाह मेरे मुल्क के अंदर ऐसी औरतें हैं। मैं जी हाँ, आपके मुल्क में ऐसी औरतें हैं जो आप जैसे लोगों को जवाब देना जानती हैं और आप जैसे लोगों को एक्सपोज करना जानती हैं। डायरेक्टली इसलिए कि मैं आपका मेहमान हूं कि दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब ऐसे कमीशन बने हैं तो मुल्क के बड़े मुक्तदर सदर, बड़े ताकतवर सदर जो हैं उस कमीशन के सामने गए हैं और उन्होंने अपने बाकायदा तौर पे हकायक बयान किए हैं कि वो क्या हैं। अगर इससे कोई नावाकिफ है या इसमें मुझे तो समझ नहीं आता कि इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला काला है, वरना नतीजे से पहले, हकायक आने से पहले अगर कोई ये कह दे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये तो हैरत की बात है। इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों को आपने बड़ा अच्छा कहा, जी जी फौजिया साहब, बड़ा अच्छा कमेंट किया कि आप लोगों को गुमराह ना करें। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो वहाँ बैठा हुआ है वो उसका काम सिर्फ ऐसा है, यही काम है कि तुम लोगों को गुमराह करो। और ये याद रखें, एक से बारी बारी कर लेते हैं ना, इस्लाम में गुमराह करना भी गुनाह है, कबीरा है। ये जी मैं समझता हूँ जी, आजम स्वाती आपकी बारी हो गई। मुल्क की सालमियत का जी बिल्कुल, आपने कहा कि हर सदर करता है मगर ये तो उनका अपना इखलाकी फैसला होगा, अगर वो देना चाहते हैं उनको कोई पाबंद नहीं कर सकता है। और हमें चाहिए इस मसले को गंभीर करने की बजाय, इस मसले को हमें गंभीर करने की बजाय, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है ये, मेरे मुल्क का, मेरे कौम का मसला है। चलिए जी, गंभीर करने, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उस समझ गए आजम स्वाती साहब, ये इखलाकी फैसला है सदर आसिफ अली जरदारी का, अगर वो जवाब देना चाहें तो, आइन की पाबंदी नहीं है जवाब देने पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फौजिया साहिबा, आजम स्वाती साहब और चौधरी साहब, आसमा जहांगीर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। नाजीन, ये तो रही आज की डिबेट, आपने सुनी मगर इट डजंट सीम टू बी रैपिंग अप एनी टाइम सून, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये शेक्सपियर का एक शोराय अफाक किरदार है, हैमलेट, आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट हिम। ये किरदार अपने बाप के कत्ल से लेकर अपनी जिंदगी की छोटे छोटे कामों को भी टालता चला जाता था, यूज टू प्रोक्रेस्टिनेट, और इतना टालता था कि आखिरकार ताखीर की यह आदत इसकी जान ले लेती है। अब पाकिस्तान में हैमलेट ने जज बहाल नहीं किए लेकिन करने पड़े, हैमलेट ने पार्लियामेंट की करारदादों पर अमल नहीं किया जो करना तो पड़ा ही है, अब लग रहा है। अब मेमोगेट स्कैंडल पर ताखीर से रद्द अमल किया आज हम देख रहे हैं, और आज बात इसकी अपनी गर्दन तक आ पहुंची है। आइए हम सब मिलकर अपने हैमलेट को समझाएं कि हर काम में ताखीर अच्छी नहीं होती। अब तो वैसे भी वक्त बहुत कम रह गया है, इस हैमलेट के पास सिर्फ 479 दिन, 1 घंटा 4 मिनट और 10 सेकंड बाकी रह गए हैं। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए, आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे, पीर को मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।